सुधा क्या हुआ? देखो ना, खुशी का पति उसे छोड़ के किसी दूसरी औरत के साथ। अरे इसमें इमोशनल होने की क्या जरूरत है? और ये सब तो स्क्रिप्टेड होता है, और तुम तो ऐसे ही रिएक्ट कर रही हो कि जैसे तुम्हारा पति यानी कि मैं खुद किसी दूसरी औरत के साथ। ऐसा हुआ ना तो मैं खुद को मार दूंगी उसे मार के। अरे बाबा ऐसा कभी हुआ ना तो उसको मार देना, लेकिन अपने आप को कुछ मत करना प्लीज। मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। अरे बाबा ये सब छोड़ो और फटाफट खाना निकालो, मुझे वापस मीटिंग के लिए भी जाना है। घर जल्दी आ जाना। अरे हाँ बाबा मैं जल्दी लौटूंगा, और तुम भी टीवी पर कोई अच्छी फिल्म देख लेना, और ज्यादा इमोशनल मत होना। ठीक है चलो मैं निकलता हूँ। अरे बाप रे 3 और फोन आ गए, इसने तो परेशान कर दिया आज। हाँ अशोक जी। सर अशोक तुम्हारा मोबाइल ड्यूअल सिम है क्या? हाँ। एक काम कर, ये लो मेरा मोबाइल। हाँ, इनमें 3 ग्रुप है, फैमिली फ्रेंड्स और डायरेक्टर लोग के, उनको तुम अपने फोन में कॉपी कर लो। मैं ना कॉल डाइवर्ट कर देता हूँ, अभी मीटिंग हुई नहीं लेकिन ये डायरेक्टर लोग और बायस परेशान कर रहे हैं। और कॉपी किए नंबर में से तू रिसीव करके सबको बता देना कि मैं मीटिंग में बिजी हूँ। ठीक है? ठीक है सर। ला ये हो गया सर, सारा नंबर इसमें ट्रांसफर हो चुका। पर हाँ दूसरे कोई कॉल रिसीव मत करना। अरे नहीं नहीं सर, टेंशन मत लो, मैं कोई और कॉल रिसीव नहीं करूँगा। ये बात तो सब ठीक है सर, पर मेरी परसों ही शादी हुई है, और आप तो जानते हैं आपके कॉल देर रात तक मतलब समझ रहे ना। तो क्या हुआ, तब तो और अच्छी बात है, क्योंकि तू वैसे भी देर रात तक तो जागेगा ही ना। सर क्या ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो आपके कॉल सुन ही लूंगा सर। तो भी मैं निकलता हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है सर। हाँ पर सभी कॉल बराबर से डाइवर्ट किए ना? अरे सर सभी कॉल डाइवर्ट कर दिए। हाँ एक बात है, या आप कॉल रिसीव नहीं करोगे या आपका फोन स्विच ऑफ रखोगे तभी सारी कॉल मेरे में आएगी। हाँ ठीक है कोई बात नहीं अशोक, जब मीटिंग स्टार्ट होगी ना तभी मैं अपना फोन स्विच ऑफ करूंगा। ठीक है चलो चलो। अब ये हो गया स्विच ऑफ। काम करता हूँ, फोन साइलेंट ही कर देता हूँ। सर पूछेंगे तो बता दूंगा कि घर पहुंचते ही सो गया था। यस। थोड़ी देर शुरू हो जाऊंगा। अंजलि मना करने के बाद प्यार करने का मजा ही अलग है जानू, छोड़ना नहीं। कहीं मेरा पति भी ऑफिस के बहाने बाहर किसी और लड़की के साथ तो नहीं? हेलो हेलो नो छोड़ो ना, सोना है फिर मुझे नींद आ रही है, जाने दो तुम। नो छोड़ो ना, सोना है छोड़ो ना फिर मुझे नींद आ रही Thank you.
हेलो कौन? हेलो, जिसका फोन है उसे फोन दे साली। कौन बदतमीज हो और गाली क्यों दे रही हो? जब शरीफ घर की औरतें बदतमीजी पे उतर आती है ना, तो तुम जैसी बाजारों औरत के साथ ऐसे ही बात करती है। अशोक, यहाँ आना, यहाँ आओ। क्या हुआ? तुम्हारी किसी जान का कॉल आया हुआ है और मुझे भद्दी भद्दी गालियां दे रही है। हे भगवान, मेरी किस्मत, ये सब। अरे तुम रो मत मेरी जान, डार्लिंग, अभी अभी हमारी शादी हुई है। अरे लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? तो सुनने दो ना लोगों को। जब तुम जैसे इंसान के साथ मेरी जिंदगी फंस गई है तो कोई कुछ भी बोले। अरे तुम रो मत, ये देखो मेरे जो बॉस है ना, उसके नंबर डाइवर्ट किए गए थे, तो उसी में से किसी एक नंबर है। और मुझे तो लगता है ये मेरे बॉस की गर्लफ्रेंड का नंबर है। सुनो, अभी बॉस मीटिंग में है, जैसे ही बाहर आते हैं मैं तुमसे उनकी बात करवाता हूँ। अगर मैं गलत निकला तो तुम मुझे जो सजा दोगी वो मंजूर है, मैं खुद मर जाऊंगा, ठीक है? या तुम मुझे गोली मार देना, पर अब मत, अभी मत रहो। हेलो, हाँ जान, सो गई क्या? अगर उस जान से फुर्सत मिल गई हो तो मुझे मेरे मायके छोड़ाओ, नहीं तो मैं अपने आप को मार दूंगी। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? की कोशिश करो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जी सर। हाँ हेलो, हाँ अशोक, तुम्हारी भाभी का फोन आया था क्या? नहीं सर, भाभी का तो कोई कॉल नहीं आया, पर हाँ किसी जान के नाम की कोई दोस्त का कॉल आया था, और उन्होंने काफी बदतमीजियां की मेरी पत्नी के साथ और गालियां भी दी थी। अबे नालायक, वो तेरी भाभी का ही फोन था, न जाने अब वो क्या सोच रही होगी, तो तूफान खड़ा करके रख देंगी। सुना, भाभी का कॉल था, पर तुम ये भी मेरे साथ। सुधा, सुधा, अरे ये सब क्या है? काट दूंगी इससे तुम्हारा। क्या? वो दिल जो मेरे सिवा किसी और का हो गया है, फिर अपने आप को भी मार दूंगी। अरे सुधा, तू पागल हो गई हो क्या? चल छोड़ो ये, तू मेरी बात सुन। ये ना, वो मेरे आज मीटिंग थी, वो तो तुझे पता है ना, तो मेरे पे कोई डिस्टर्ब ना करे ना, इसलिए मेरा फोन मैंने मेरे असिस्टेंट अशोक के फोन पे डाइवर्ट कर दिया था, और बहुत सारे फोन आ रहे थे मेरे, तो अशोक के ऊपर गया होगा फोन, और शायद वो अशोक की अभी अभी नई शादी हुई है, तो वो फोन अशोक की बीबी ने शायद उठा लिया होगा। चल एक काम करो, अभी के अभी तुम अपने अपने फोन से मेरे मोबाइल पे फोन करो, चलो फटाफट। जी सर, अब क्या हो गया? हाँ अशोक, तू है ना अपनी भाभी को कुछ समझा? अशोक जरा अपनी वाइफ को फोन दो। हाँ सर। भाभी, गुड इवनिंग भाभी जी। गुड इवनिंग जानवी, पहली बार तुमसे बात हुई, वो भी ऐसे। और डांट यहाँ अशोक को पड़ी है और यहाँ प्रशांत को।
ओके सॉरी 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 प्लीज। हे भगवान, भगवान के वास्ते ये हस्बैंड और बीवी पे शक पैदा करे ना, ऐसा टीवी सीरियल और फिल्में मत देखा करो। सॉरी सॉरी।